हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभी क्रिएशंस में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को झारखंड के कवरिया पद को दिखाए थे कि कितना दूर तक काम हुआ और शुरू काम हो गया था, और आप लोगों ने ये भी पूछे थे कि कवरिया पद में जो हमारा बॉर्डर तक है इधर दुकान बन रहा है क्या। नहीं, अभी हम पीछे से आए हैं, मतलब भूत बंगला से। उधर मैंने पिछले दिन आपको वीडियो जो दिखाया था तभी नहीं स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी बहुत जगह स्टार्ट हो गया बनना, तो वो चीज़ मैं आपको एक एक करके कवर करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने जो पीछे दिखाया वो अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल हम लोग आगे जाएंगे यहाँ से। अभी हम लोग देखते हैं कि घोरमारा में जो ये धर्मशाला बन रहा है, इस धर्मशाला के पास है, इससे हम लोग आगे जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। और ये धर्मशाला जैसे ही फिनिश हो जाता है, पूरा डन हो जाता है, तो फिर मैं आपको इनको भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं घोरमारा से, जो कवरिया पथ में है, और आगे देखते हैं कि कितने दूर तक काम हुआ है और कितना कहाँ तक काम चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी जगह आपको देखना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं धीरे धीरे करके मैं आपके सारे डिमांड को पूरा करूँगा, और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लग चुका हूँ, अब धीरे धीरे कवर करते चलूँगा। ठीक है, और बहुत सारा का कमेंट आता है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों के सारे कमेंट को मैं रीड करता हूँ और सारे मैं स्क्रीन शॉट करके रखा हूँ कि कहाँ कहाँ हमको क्या क्या दिखाना है। मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूँगा कि कितने में स्क्रीन शॉट ले कर रखा हूँ। तो चलिए आगे चलते और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों अभी हम लोग घोरमारा से चलना स्टार्ट किया, तो चलिए आगे तक चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे तो अभी कहाँ कहाँ काम हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं काम हो रहा है, वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये एक दिख रहा है, ये भी अच्छी तरीके से बनेगा, अभी फ़िलहाल नहीं बना हुआ है, और भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब जो शौचालय छोटा 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 मोटा जो दिख रहा है, इसको भी फिनिश किया जाएगा, तो अभी इसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि अब ज़्यादा समय बचा हुआ है, अभी से काम स्टार्ट कर देना चाहिए इन सब में भी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 14 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, तो आज हमारा 15 जून हो गया, और तो ज़्यादा दिन नहीं है, एक महीने का समय है और एक महीने के अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारा कवरिया पथ का, यहाँ पे देखिए फ़िलहाल हमको इधर तो काम नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे था वैसे ही है, और मे भी हो सकता है कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि ये देखिए यहाँ पे कुछ गड्ढा वगैरह था, तो इस जगह मतलब कि भराई कर दिया गया है, मतलब कि जहाँ जहाँ छोटा मोटा मेंटेन करके इसको कवर कर दिया गया है। वैसे भी इसमें ज़रूरत नहीं था, क्योंकि ये तो रास्ता अच्छा था, इसलिए इसको नहीं किया गया है। और आगे देखते हैं, आगे भी अब देखिए यहाँ पर भी ये जो गड्ढा था इसको भी भर दिया गया है, मिट्टी डाल के। ठीक है, तो ये सही है। और देखिए ये अपना अपना जगह देखिए प्लान करके रखा है कि यहाँ पे दुकान बनेगा, इस तरह करके जो जो जगह लिए हैं अपना, वो सही तरीके से अपना बना रहा है। ये देख सकते हैं ऑलरेडी एक यहाँ पे बना हुआ है, और इस प्रकार से आपको बहुत सारा आपको देखने मिलेगा। चापानल वगैरह देखिए अभी सही नहीं हुआ है, ये सब भी सही करना चाहिए, तो हो जाना चाहिए ये भी सब। देखते हैं कब तक ये चापानल वगैरह भी सही होता है। और मैं आपको इधर दिखाऊँ तो कुछ कुछ देखिए बन गया है। इधर देखिए मैं आपको बाएं साइड में जो दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये पहले बना हुआ नहीं था, इसको अभी बना रहा है, तो ये भी बन जाएगा। और ये सब इस सब में पूरा दुकान लगा हुआ रहता था, तो ये देख सकते हैं दुकान अभी, ये सब देखिए ये सब बनेगा, ये सब अभी बना नहीं है, सब सारा बनेगा। और इधर देख सकते हैं बाँस वगैरह गिरा हुआ बनने के लिए ही। और मैं आपको दिखाऊँ ये रोड देख सकते हैं, रोड भी आपका क्लियर है, मतलब कि सही तरीके से इसको भी कर दिया जा रहा है, इसमें बालू वगैरह भी डालेगा तो और मज़ेदार लगेगा इसमें चलने में। कवरिया पथ में जो आए हैं श्रावणी में, उनको पता होगा कि ये रास्ता कैसा रहता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में इस जगह और अच्छे से प्लान करना चाहिए था, वो नहीं किया हुआ है। ओके, और ये अभी बहुत सारा जो है ना परमानेंट दुकान बन गया है, देख सकते हैं ये दुकान वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। और अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जैसे का है वैसे छोड़ दिया है। तो आगे और भी हम लोग चलते हैं, ये जगह कौन सा है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये दुकान नींबू बना है, पहले नहीं था, अभी इसको बनाया गया है। और भी ये देखिए एक पूल होगा, और ये पूल के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकान एक बना है। ठीक है, पहले नहीं था बना, अभी देखिए बनाया गया है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये बांस वगैरह गिरा हुआ, इधर भी ये सब बनने वाला है,
और ये देख सकते हैं, ये हमारा आगे कलकतिया धर्मशाला है। ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए कलकतिया धर्मशाला है, यहाँ पे इस तरह का एक पंडाल बनाया गया है छोड़ने के लिए, और अंदर भी इसका पंडाल बनता है, वो आपको देखने मिलेगा। ये हमारा कलकतिया धर्मशाला है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। और पहले इस तरह का नहीं था, कलर पेंट वगैरह इस पर हो चुका है, और ये देख सकते पूरा इसमें उतना साफ़ सुथरा नहीं था, लेकिन इस बार साफ़ सुथरा किया गया है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, इधर देखिए, इधर कुछ दुकानें अभी बना नहीं हुआ है। देखिए ये शौचालय वगैरह ये सब भी चालू हो जाएगा, देख सकते हैं इधर ये सब रूम वगैरह, और पता नहीं कैसे काम किया है यहाँ पे। देखिए गड्ढा वगैरह रह गया, इसको भी भरना था, ये सब चीज़ नहीं किया है। और ये सब दुकान भी सारा आपको सरावनी में देखने को मिलेगा, पूरा ये एकदम सब में आपको देखने को मिलेगा दुकान। ये सब देखिए कुछ परमानेंट दुकानें बन रहा है, और ये सब 365 दिन ये सब दुकान खुला हुआ रहता है ये सब जगह, ठीक है। और मैं आपको और सारा चीज़ भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या है। देखिए ये बांस गिरा है, और ज़रूर यहाँ पे बनने वाला है, ये देखिए ये एरिया में बनने वाला है दुकानें, तो इधर दुकान बनना शुरू हो गया। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे मिलते जाएगा वो हम आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए ये भी जगह, देखिए ये जगह भी बनेगा आपका दुकान, अभी फ़िलहाल नहीं बना है तो ज़रूर बनेगा। धीरे धीरे सब कोई काम कर रहा है क्योंकि बहुत समय है। देखिए ये भी एक दुकान रहता है सावन में, ये भी बनेगा आपको। और जो जो अपना मतलब जैसे कि दूर से जो आया शायद वो सब अपना कवर कर रहा है, और जिसका बगल में ही घर है तो इस गली इसमें उसे देखिए आप इससे पार हुए होंगे, ये जगह आपको याद होगा, ये जगह से आप पार हुए होंगे, ठीक है, इस पुल के थ्रू से नावाडी है ये जगह, देख सकते हैं ये परमानेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पुराना ही है, इसको नहीं बनाया गया, ये हमको लगता है इस बार रिपेयर करके फिर से इसको सही से बनाया जाएगा। और ये देख सकते हैं बांस गिरा हुआ है, इस समय दुकान बनेगा। और ये देखिए ये चालू हो गया है दुकान, ये बन चुका है। और यहाँ पे कुछ एक धर्मशाला है, ये कवरिया के लिए बनाया गया है, इसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ, सरकारी धर्मशाला है, जैसे शुरू होता मैं इसका आपको दिखाऊँगा क्या कुछ। ये सब देखिए अभी बना हुआ नहीं है, ये भी बोल सकते हैं ये सबको सब हटा के, ये सब को लगता है बाहरी कोई दुकान करता होगा इसी वजह से ये सब ऐसे पड़ा हुआ, नहीं तो लोकल रहता तो ज़रूर इसको बनाता। और यहाँ पे कुछ बनेगा दुकान, तो ये देखिए यहाँ पे भी बांस गिराया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये बाथरूम वगैरह शौचालय वगैरह है। और यहाँ पे देखिए ठहरने के लिए कुछ ऐसा है। और ये जगह देखिए, ये जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा एक दुकान सरावनी में, क्योंकि यहाँ पर भी बांस गिर गया है। और ये जगह आपको नहाने धोने सब कुछ के लिए फैसिलिटीज़ होगा। और ये सब हमको लगता है बाहर कोई बाहर से जो आते हैं ना वो अपना दुकान करते हैं उसके लिए है, शायद इस बार शायद नहीं बनाया पता नहीं क्यों, ये सब ही बनेगा पूरा, ये सब देखें पूरा टूट गया, 2 साल से लगभग इधर नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए फिर यहाँ पर भी बांस गिरा हुआ है, ठीक है। और भी हम लोग आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते चलते हैं यहाँ पे और भी क्या चीज़ है, तो चलिए हम आपको और दिखाते हैं आगे। ये देख सकते हैं रास्ता इधर मतलब सही है, इधर काम नहीं हुआ हमको लगता है, देखते हैं ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पे गड्ढा वगैरह है, उधर ही काम हुआ था, इधर देखिए ये सब गड्ढा वगैरह कहाँ भरा हुआ है, तो मतलब कि कंवरिया पथ में थोड़ा दूर उधर काम हुआ है, इधर नहीं हुआ है, नहीं तो इस सब भी पूरा आपको भरा हुआ दिखता। अगर बारिश हो जाएगा तो इसमें चलना बहुत ही मुश्किल है, फिलहाल देख सकते हैं कितना गड्ढा किया हुआ है, तो धीरे धीरे काम हो रहा है। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। तो अभी हम लोग नावाडी में ही है, तो ये नावाडी की स्थिति है, ये सब देखिए ये सब सारा दुकान आपको बना हुआ मिलेगा श्रावणी में, तो अभी तो ऐसे ही खाली नज़र आ रहा है, ठीक है। पूरा इस जगह बहुत ही मन लगेगा,
सावन में। और ये देखिए सब भी दुकान नहीं बना हुआ है पूरा, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक परमानेंट दुकान ऐसे बन रहा है, देख सकते हैं, ये सभी एक परमानेंट दुकान बन रहा है जो कवर है सबके सेवा के लिए जो दुकानें हैं। और इधर देखिए ये भी एक सेवा शिविर है, ये सब भी अभी तैयारी नहीं हुआ है। और कहाँ पे चले और भी आगे आपको ले चलता हूँ धीरे धीरे करके, देखते हैं कितना और भी आगे क्या है, चलते रहो। इसमें भी देखिएगा ये वाला जो देख रहा है, इसमें भी आपको दुकान देखने को मिलेगा, शायद इसमें ऑलरेडी पहले से भी था लेकिन उसको तोड़ के बनाया गया है। और मैं आपको ये वाला पिछले दिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पिछले दिन आपको यहाँ तक मैं आपको दिखाया था कि ये दुकान बन रहा है, तो देखते हैं कितना कंप्लीट हुआ है। और देखिए ये जगह में भी बनेगा जो अभी नहीं बना है। और ये देख सकते हैं ये परमानेंट है, ये बन रहा है, ये देख सकते हैं लोहे लोहा का। और चलिए आगे चलते हैं आगे। इधर देखिए सड़क जो है पथ का इधर काम नहीं हुआ है एकदम, बस थोड़ा दूर तक हुआ था, एक दो तीन किलोमीटर तक दूरी तक काम हुआ था। और उसके आगे हम लोग आए तो देख सकते हैं गड्ढा वगैरह नहीं, तो ये सब पूरा प्लेन आपको देखने को मिलता है, तो मतलब कि इधर काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग दुमा बॉर्डर से काफ़ी करीब है तो आगे चलेंगे, रुको। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लोग अभी दुमा में हैं और बॉर्डर यहाँ से थोड़ी दूर है, तो मैंने आपको पीछे दिखाया कि किस प्रकार से काम चला, बहुत दूर तक काम नहीं हुआ है, कुछ ही दूर तक भूत बांग्ला से काम हुआ है जो पथ का। और अभी उधर जैसे दुकानें वगैरह मैंने दिखाया कि बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे मैं यहाँ से दुमा बॉर्डर तक आपको दिखाऊँगा क्या काम हुआ या नहीं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू।